नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम जो एक्सटेंशन बोर्ड बनाने वाले हैं उस बोर्ड में हमने यूज किया 16 स्विच और 16 सॉकेट का, साथ में हमने यूज किया इसमें डीपी स्विच और एक डिजिटल मीटर जो हमारा वोल्टर एम्पीयर यहां पे शो करेगा। हम क्या करते हैं, इस एक्सटेंशन बोर्ड जो हमारा बड़ा है, ठीक है, ऐसा मेरा ये पहला वीडियो है जिसमें मैंने 16 सॉकेट और 16 स्विच का यूज किया। हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग देखेंगे, इसका वायरिंग किस तरीके से होता है। सिंपल सा चीज है, ठीक है, हमारा जो पहला कनेक्शन आएगा वो कहाँ पे आएगा, ये हमारे डीपी स्विच में आएगा, डीपी स्विच के बाद वोल्ट मीटर में जाएगा, जो हमारा डिजिटल मीटर है उसका सारा इस बोर्ड में सप्लाई करेगा। तो इस बोर्ड में जो वायर आएगा उसमें कौन सा वायर आएगा, ऐसी बात है कोई भी बोर्ड रहेगा, ठीक है, उसमें हमारा तीन वायर आएगा, पहला आएगा फेज, दूसरा आएगा न्यूट्रल, तीसरा आएगा बॉडी एयर, ठीक है। जो फेज और न्यूट्रल जो कनेक्शन आएगा वो कहाँ जाएगा, पहले डीपी स्विच में, वहाँ से कनेक्शन होकर हमारा यहाँ डिजिटल मीटर में आएगा। तुम क्या करते हैं, इसका डायग्राम देखेंगे, तो डायग्राम में भी मैंने सेम इसी तरीके से ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से 16 स्विच सॉकेट था, यहाँ पे मैंने 16 ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 सॉकेट ले लिया, साथ में 16 स्विच भी है। इससे क्या होगा, ये स्विच है ये सॉकेट, 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 इस तरीके से ऑपरेट होगा। तो क्या करते हैं, पहले इसका डायग्राम देखेंगे, फिर इसका हम बोर्ड वायरिंग करके देखते हैं कि इसका बोर्ड वायरिंग किस तरीके से करते हैं। तो जो हमारा तीन वायर आएगा, ठीक है, सिंपल से तीनों जो वायर आ रहा, फेज न्यूट्रल और बॉडी एर्थिंग का, जो फेज का वायर हम कहाँ इन कराएंगे, जो हमारा डीपी स्विच है, ठीक है, डीपी स्विच के नीचे टर्मिनल में इन कराएंगे। तो जब डीपी स्विच होगा, ठीक है, डीपी स्विच के नीचे टर्मिनल में देखिएगा एल आर एन इस तरीके से लिखा होता है। तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर इन कराएंगे कहाँ कराएंगे, डीपी स्विच के इस टर्मिनल में हम इन कराएंगे। ये हमारा हो गया फेज का वायर, ठीक है। और इसके साथ जो न्यूट्रल का वायर आएगा, न्यूट्रल का वायर कहाँ इन कराएंगे, उसके बगल वाला टर्मिनल में, इस टर्मिनल में क्या करेंगे हम, न्यूट्रल का वायर को इन कराएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रल का वायर, ठीक है। एक हो गया फेज, एक हो गया न्यूट्रल, तीसरा जो बॉडी एर्थिंग का बचा, बॉडी एर्थिंग का कनेक्शन हमारा सिर्फ सॉकेट में होता है डायरेक्ट, इसको हम डीपी स्विच में यूज नहीं करते। तो ये क्या हुआ हमारा, फेज न्यूट्रल जो बॉडी एर्थिंग का वायर है इन किया, आउट कहाँ से करेगा, हमारा फेज यहाँ पे इन किया तो आउट यहाँ से करेगा, न्यूट्रल यहाँ इन किया तो आउट यहाँ से करेगा, ठीक है। जैसे न्यूट्रल यहाँ से आउट किया और फेज हमारा यहाँ से आउट करेगा, आउट कराएगा कहाँ ले जाएंगे हम, ये जो डिजिटल मीटर है वहाँ ले जाएंगे। तो हम डिजिटल मीटर अगर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से दो टर्मिनल बना हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। फिर यहाँ पे सिंपल सा दो टर्मिनल है, इसमें क्या करना है, वो कनेक्शन लेके जाना है। हम यहाँ से डायरेक्ट भी कनेक्शन ले आ सकते हैं, यहाँ से सप्लाई भी दे सकते हैं। हमको क्या करना है, ये दो टर्मिनल है, इसमें हमको फेज और न्यूट्रल ले जाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से एग्जाम्पल के लिए मैं दो टर्मिनल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये दे दिया, एक टर्मिनल ये दे दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जो दोनों हमारा दिया कनेक्शन के लिए, ये खाली रहता, मैंने अभी कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अगर इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, जब आप खाली रहेगा तो दिखेगा बोर्ड में टर्मिनल इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इसमें आपको एक में फेज, एक में आपको न्यूट्रल कनेक्शन देना है। तो हम क्या किए, ये दो टर्मिनल है, उसमें एक में क्या करेंगे, ये फेज कनेक्शन दे देंगे, और जो दूसरा टर्मिनल है उसमें हम क्या करेंगे, न्यूट्रल कनेक्शन दे देंगे। तो इसमें हमारा फेज आ गया, इसमें हमारा न्यूट्रल आ गया। इससे क्या होगा, ये हमारा जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा वोल्ट का टर्मिनल है, ये वोल्ट का टर्मिनल हमारा काम करने लगेगा। ये हमको एग्जैक्ट बता देगा कि हमारा घर में जो इस बोर्ड में जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है। इसके साथ जो ये रिचर्ड टर्मिनल है वो एम्पेयर के लिए, तो एम्पेयर का जब कनेक्शन करना होगा, हमको देखना होगा कि इस जो ये एक्सटेंशन बोर्ड है इसमें जो लोड जा रहा है उसके लिए हमको क्या करना होगा, जब भी हम इसका लोड देंगे, ठीक है, कोई भी बोर्ड रहे, एम्पेयर मीटर का सिंपल से एक कनेक्शन है कि जब फेज का जो वायर यहाँ से लोड के लिए निकलेगा, ठीक है, ये टर्मिनल से जब लोड के लिए निकलेगा तो हमको क्या करना है, इसमें एक सीटी होगा, ठीक है, ये गोल कलर का, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो सीटी है उसके अंदर से हमको फेज का वायर को ले जाना है। सिंपल सा चीज़ है, जैसे कोई भी फेज का वायर है, सपोज ये फेज का वायर है, इसको हमको इसके अंदर से ले जाना है इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये सिटी के अंदर सपोज ये यहाँ पे हम गोल करके एक एग्जांपल के लिए बना देते हैं, ये हमारा सिटी हो गया, इसके अंदर से हमको वायर को ले जाना है। ले जाए कहाँ ले जाएंगे, अब जितना स्विच है, ठीक है, इस बोर्ड में जितना स्विच है, तुम्हारे इस बोर्ड में 16 स्विच है। सिंपल सा चीज़ है, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार ये हो गया, इसी तरीके से टोटल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 स्विच हो जाएगा। तो 16 जितना स्विच है सबके नीचे टर्मिनल में, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको 16 स्विच की जगह 12 स्विच भी है तो भी वही होगा, 8 स्विच भी है तो वही होगा, 20 स्विच भी है तो वही होगा। स्विच के जो फेज का वायर है वो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल चल जाएगा। एक यहाँ चल गया, एक हम लूप बना के यहाँ ले जाएंगे, एक लूप बना के हम यहाँ ले जाएंगे, एक लूप बना के हम यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक लूप यहाँ से यहाँ रिटर्न ले आएंगे। हम इसको यहाँ से भी लूप बना के दे सकते थे, किसी भी तरीके से पहुँचा देना, ठीक है। जैसे एक लूप हम यहाँ दे दिए, एक लूप हम यहाँ से यहाँ दे दिए, एक लूप हम यहाँ से यहाँ दे दिए, ठीक है। अब जैसे हमको यहाँ पे चाहिए तो ये सूप, एक लूप हम यहाँ दे दिए, एक लूप हम यहाँ दे देंगे,
एक लूप हम यहाँ दे देंगे, एक लूप हम यहाँ दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से भी हम फेस का वायर यहाँ भी ले आ सकते हैं और सेम ही डायरेक्शन से ले आ सकते इस तरीके से, ठीक है। यहाँ दे दिए, एक वायर यहाँ दे दिए, किसी भी तरीके से हमको जो फेज का करंट है वो स्विच के सारे नीचे टर्मिनल पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि आपका देखिए ये सब में हमारा फेज पहुँच गया। हमारा फेज कहाँ इन किया, डीपी स्विच में हम ऑन किया तो हमारे यहाँ से आया वोल्ट मीटर, वो सप्लाई करते हुए क्या हो गया ये सारा स्विच के ऊपर नीचे टर्मिनल चल गया। अब हमको क्या करना है, जैसे ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है, सिंपल सा चीज़ है। अगर ये बोर्ड है, इस बोर्ड में ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, तो हमको क्या करना है, ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेकर कहाँ चल जाना, यहाँ पे जहाँ पे एल का टर्मिनल हो, इस तरीके से ये स्विच से हमारा यहाँ पे, क्योंकि हर सॉकेट जो होता है उसमें एल आर एन इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। जो एल हो गया हमारा क्या हो गया, लाइन के लिए हो गया, और फेज एन हो गया वो न्यूट्रल हो गया, एल हो गया लाइन के लिए फेज के लिए, इस तरीके से हम करना है। ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा तो ये स्विच से एक वायर यहाँ ले जाएंगे, ये स्विच से एक वायर यहाँ ले जाएंगे, यहाँ भी इस तरीके से होगा एन एल, इस तरीके से हर सॉकेट में लिखा होता है, ठीक है। एल हमारा लाइन के लिए, तो ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करे तो इस तरीके से एक वायर यहाँ ले जाएंगे, ये स्विच से ये वायर यहाँ ले जाएंगे, ये स्विच से एक वायर यहाँ ले जाएंगे, इस तरीके से क्या करना है, हर स्विच से एक वायर को हमको सॉकेट से कनेक्ट कर देना है, इस तरीके से जहाँ पे एल होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा जो फेज का काम है वो कंप्लीट हो गया, हमारा जितना ये स्विच ये सॉकेट ऑपरेट हो जाएगा, ये स्विच ये सॉकेट, ये स्विच ये सॉकेट, ये स्विच ये सॉकेट, इस तरीके से हमारा जो फेज का काम है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा, न्यूट्रल का काम। तो न्यूट्रल हमारा क्या है, न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया हुआ है, अब यहाँ से हम सप्लाई करके न्यूट्रल क्या करेंगे, ले जाएंगे। न्यूट्रल का नीड कहाँ पे, न्यूट्रल का नीड हमको यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस तरीके से न्यूट्रल का नीड क्या है, हमको सारे सॉकेट में है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जितना जगह जहाँ न्यूट्रल का जरूरत है हमको क्या करना, हर जगह न्यूट्रल पहुँचाना। तो हम क्या करते हैं, पहले फेज कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे न्यूट्रल कनेक्शन को देखते हैं। तो फिलहाल का जो कनेक्शन है हमारा कहाँ पे आया है, फेज है न्यूट्रल का वायर लेके आए हैं, फेज न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे, फेज हमारा इस टर्मिनल में इन करेगा, न्यूट्रल हमारे इस टर्मिनल में, हम क्या करते इस तरीके से इन करा देते हैं, बोर्ड के अंदर से ले आते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया फेज का वायर, ये हो गया हमारा न्यूट्रल का वायर। किसी भी तरीके से हमको क्या करना है, फेज और न्यूट्रल को जो सॉकेट में पहुंचाना है, तो उसके लिए हम क्या करें, बस इसको मीडिएटर में यूज करें सेफ्टी के लिए। तो क्या हो गया, देखिए फेज और न्यूट्रल में यहाँ पे इन करा है, फेज हमारा यहाँ इन कर गया, न्यूट्रल हमारा यहाँ इन कर गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको आउट कराना है, ठीक है। हमारा आउट कहाँ से करेगा, फेज यहाँ से आउट करेगा, न्यूट्रल यहाँ से आउट करेगा, सिंपल सा है। क्या करते हैं, इसके लिए वायर ले लेंगे। हमारा फेज कहाँ से आउट करा, फेज यहाँ से आउट करेगा, फेज क्लियर, फेज कलर का वायर ले लेते लाल कलर वाला, ये हमारा फेज के लिए आउट करेगा, और यहाँ से हमारा क्या न्यूट्रल का वायर आउट करेगा, न्यूट्रल का वायर का आउट करा। ये हमारे यहाँ तक का कनेक्शन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो वायर निकला है, ठीक है, ये जो हमारा डीपी स्विच से जो वायर निकला फेज और न्यूट्रल का, हम लेंगे कहाँ, डिजिटल मीटर में। तो क्या करते हैं, ये दोनों वायर को उसमें ले आते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आउटपुट वाला वायर है। हमको क्या यहाँ से ले जा रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं इस वोल्ट मीटर में, ठीक है। ये डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर में ले जा रहे हैं, तो इसमें को क्या करना है, इसका दो टर्मिनल है, फेज और न्यूट्रल हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या करना है, एक टर्मिनल में इन कराना है फेज और न्यूट्रल को। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कनेक्शन करेंगे, जिसे ये बीच में हम निकाल के यहाँ से हमारा फेज, हम यहाँ से देते हुए फेज हम किसमें फेज इन भी करा ले और यहाँ से आउट कराते हुए हम ले जाए। तो इस तरीके से फोल कर लिए बीच में वायर को, छील के हम क्या करते हैं, यहीं से कनेक्शन देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा फेज हम यहाँ पे इन कराए, अब यहाँ से हम फेज आउट कराए कहाँ ले जा रहे, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में। तो हम क्या करेंगे, पर हमको क्या करें, ये सिटी के अंदर से ले जा रहे, तो ये फेज का वायर हमारा यहाँ गया, हम इसको ये क्या करते हैं, ये सिटी के अंदर से ले जाते हैं। इससे क्या होगा, हमारा पता चलेगा कि हमारा जो एम्पियर कितना, हमको क्या करना, सारा स्विच के नीचे टर्मिनल में ले जाना है फेज का वायर को, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले जितना वायरिंग था वो मैंने कर लिया,
ये जो उसका वायर है वो क्या स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में आपस में कनेक्ट है, सबको मैं आपस में शॉर्ट करा चुका हूँ। तो क्या करते हैं इसको यहाँ पर कनेक्शन दे देते हैं, क्योंकि सिंगल एक से एक करने से क्या होता है वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए मैंने पहले से वायरिंग करके रखा था। अब क्या हुआ देखिए, जो फेज का वायर है वो ये सिटी के अंदर से गया, ठीक है। सिटी के अंदर से जाने के बाद क्या हुआ कि जितना भी स्विच है सारे स्विच के नीचे टर्मिनल पहुंच गया। देखिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ सप्लाई यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ से फिर ये स्विच के नीचे टर्मिनल, 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 फिर यहाँ से ये स्विच के नीचे टर्मिनल, ठीक है, जैसे डायग्राम में था, ठीक है। सारे स्विच के नीचे टर्मिनल में वायर को हम ले गए, हम वो चीज़ ले गए। अब हमको क्या करना है, सारे स्विच से जितना भी सॉकेट है सबका एल टर्मिनल, जैसे ये स्विच है ये स्विच से हमको ये सॉकेट ऑपरेट करना है, ये स्विच से एक वायर हम कहाँ ले जाएंगे जहाँ पे एल टर्मिनल ये है, यहाँ पे एक यहाँ से एक स्विच एक वायर ले जाएंगे यहाँ पे जो एल टर्मिनल है, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है हमको कनेक्शन करना है। सिर्फ एग्जाम्पल कैसे बताता हूँ, जैसे हमारा ये स्विच है, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारा ये स्विच यहाँ पे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। हम कहाँ ले जाना है, एल टर्मिनल हमारा यहाँ पे, एल टर्मिनल में हम यहाँ पे दे देंगे, इस तरीके से वो जितना भी स्विच है, ठीक है, सारे स्विच को हम इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर यहाँ पे, एक स्विच से एक वायर यहाँ पे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से वायर यहाँ पे, ये स्विच के एक वायर टर्मिनल से एक वायर लेंगे इस टर्मिनल में, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं कनेक्शन कर लेते हैं। इस तरीके से क्या हुआ, हमने जितना स्विच से सारा सॉकेट में कनेक्शन दे दिया, जैसे डायग्राम में था, ये स्विच है ये सॉकेट, 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 स्विच के ऊपर टर्मिनल से वायर जो एल पे जा रहा था, सेम इस तरीके से ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट हो रहा है, तो यहाँ पे एल टर्मिनल है हम यहाँ पे दे दिए, ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट हो रहा है यहाँ से एक वायर लेके जब एल टर्मिनल में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस बोर्ड में हमारा फ्रीज काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हमारा कहाँ पे आया हुआ है, फिलहाल न्यूट्रल का वायर हम यहाँ से, इसमें भी देखा जाए तो न्यूट्रल का वायर हम कहाँ से, यहाँ से डीपी स्विच से ले गया है, ठीक है। डीपी स्विच से हमारा न्यूट्रल का वायर निकल गया है। अब हमको क्या करना है, बस ये डिजिटल मीटर में ले जाना है, डिजिटल मीटर से फिर आउट कराए कहाँ ले जाएंगे, जितना भी सॉकेट है सारे सॉकेट में को न्यूट्रल का नीड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक वायर लेके चले गए ये सॉकेट में, ठीक है। यहीं से एक लूप बना के हम ले गए ये सॉकेट में, जहाँ जहाँ एल टर्मिनल है हर को क्या करना, आपस में शॉर्ट करा देना है, ठीक है। किसी भी तरीके से हम यहाँ से भी फिर न्यूट्रल ले जा सकते हैं यहाँ पे, आपको जहाँ से सहूलियत हो, जैसे हमको यहाँ से सहूलियत होगा, ठीक है, यहाँ से ये सॉकेट से हम न्यूट्रल लेके चले गए यहाँ पे, फिर यहाँ से ले गए यहाँ पे, यहाँ से ले गए यहाँ पे, यहाँ से ले गए यहाँ पे, यहाँ से हमको यहाँ चाहिए हम यहाँ से यहाँ ले आए। अब यहाँ से एक लूप बना के न्यूट्रल यहाँ ले गए, एक न्यूट्रल का लूप बना के यहाँ ले गए, एक न्यूट्रल का लूप बना के हम यहाँ ले गए, ठीक है। जहाँ से सहूलियत हो आपको, हमको यहाँ से सहूलियत हो हम यहाँ ले आए, यहाँ से एक लूप बनाए फिर यहाँ ले गए, एक न्यूट्रल का लूप यहाँ बना, एक न्यूट्रल का लूप यहाँ बना। तो क्या हो गया, जितना भी सॉकेट था, ठीक है, हमारे पास 16 सॉकेट था, सब में हमारे न्यूट्रल पहुँच गया, यहाँ भी पहुँच गया, यहाँ भी न्यूट्रल आ गया, यहाँ भी न्यूट्रल आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, 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 और नीचे में जितना चारों सॉकेट है सब में हम क्या किया, न्यूट्रल को पहुँचा दिया। तो ये हमारा बोर्ड जो फेज और न्यूट्रल काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्या करते हैं, सेम इसी तरीके से जो हम डायग्राम में किए उसको हम बोर्ड में करके देख लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, डीपी स्विच से यहाँ से निकाले हम न्यूट्रल का वायर, हम डिजिटल मीटर में ले जाएंगे, हमारा ये निकला, हम डिजिटल मीटर में यहाँ से ले जाते हुए क्या करेंगे सारे सॉकेट में ले जाएंगे। उसी तरीके से करते हैं, हमारे न्यूट्रल क्या हो गया, न्यूट्रल डिजिटल मीटर में भी चल गया। अब यहाँ से हम शॉर्ट कराते हुए कहाँ ले जाएंगे, जितना भी हमारा सॉकेट है सारे सॉकेट के नीचे टर्मिनल में, जैसे एक सॉकेट हमारा यहाँ हो गया, यहाँ से हम लूप बना के कहाँ ले जाएंगे, जैसे हम ये न्यूट्रल का वायर लेके कहाँ यहाँ पे लेके, यहाँ से लूप बना के यहाँ पे, यहाँ से लूप बना के यहाँ पे, यहाँ पे लूप बना के, इस तरीके से हम यहाँ पे लेके ये सॉकेट का टर्मिनल में, अब ऐसे एक लूप बना के यहाँ ले जाएंगे। जितना भी हमारा सॉकेट है सब में क्या करना, हमको न्यूट्रल को पहुँचा देना इस तरीके से, सब यहाँ आया। अब यहाँ से लूप बना के हम ले जाएंगे यहाँ पे ये सॉकेट में, अब ये सॉकेट से एक लूप बना के हम ले जाएंगे ये सॉकेट में, अब ये सॉकेट से एक लूप बना के ले जाएंगे ये सॉकेट में, फिर यहाँ से ये सॉकेट, फिर ये सॉकेट, ये सॉकेट, ये सॉकेट, फिर यहाँ पे इसी तरीके से क्या करना, जितना भी न्यूट्रल सब वापस में क्या करेंगे शॉर्ट करा लेंगे। तो जितना भी हमारा न्यूट्रल कनेक्शन था वो हमने कर दिया, हमारा जो न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ ही सॉकेट में लाया, यहाँ से ये सॉकेट, यहाँ से ये सॉकेट, यहाँ से ये सॉकेट, ये सॉकेट, ये सॉकेट करते हुए न्यूट्रल का जितना भी सॉकेट में नीड था सारे सॉकेट में हमने क्या किया, न्यूट्रल को पहुँचा दिया, सेम इस तरीके से डायग्राम में, ठीक है, जैसे डायग्राम में था इसी तरीके से हमने जितना भी सॉकेट है सब में हम न्यूट्रल का
वायर को पहुंचा दिए। तो ये क्या, ये हमारा बोर्ड वायरिंग यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बच रहा, जो हमने तीन वायर लाया था उसमें हमारा एक बॉडी अर्थिंग का वायर बच रहा। हम क्या क्या लाए थे, पहला फेज लाए थे, दूसरा न्यूट्रल लाए थे, तीसरा जो वायर है बॉडी अर्थिंग का। ठीक है, तो बॉडी अर्थिंग का वायर को हम कहाँ कहाँ देना, तो सॉकेट का जितना ऊपर वाला टर्मिनल होता है। ठीक है, ये सॉकेट का जितना भी ऊपर वाला टर्मिनल, देखिए ये हमारा एल लिखा होता है फेज के लिए, ये एन हो न्यूट्रल के लिए, ये हमारा बॉडी अर्थिंग का, तो ये टर्मिनल जो बॉडी अर्थिंग के लिए। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आता है कि बॉडी अर्थिंग का हमका जरूरत क्या या बॉडी अर्थिंग क्या, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि बॉडी अर्थिंग का नीड हमें क्यों है। तो क्या करते हैं, फिलहाल बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन करते हैं। तो जो बॉडी अर्थिंग का हमारा कनेक्शन होगा, वायर आएगा, उसको हम कोई भी सॉकेट में ले आ सकते हैं, वहाँ से हम लूप बाय लूप बना देंगे। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे लेके आ रहे तो हमारा पास पड़ रहा, तो ये सॉकेट का टर्मिनल में दे दी बॉडी अर्थिंग का वायर। ठीक है, जैसे बॉडी अर्थिंग का वायर ये हमारा है, हम यहाँ से हमको पास पड़ा, तो हम क्या किए, हम पहले यहाँ पे कनेक्शन दे दिए, कुछ बता रहे इस हिसाब से यहाँ पे हम कनेक्शन दे दिए। अब यहाँ से एक लूप बना के हम ये सॉकेट में ले जाएंगे, यहाँ से लूप बना के ये सॉकेट में, यहाँ से लूप बना के ये सॉकेट, यहाँ से लूप बना के ये सॉकेट, यहाँ से ये सॉकेट, ये सॉकेट, इस हिसाब से हम क्या करेंगे जितना भी कनेक्शन है वो कर लेंगे। सिम डायग्राम में मैप कर लेता हूँ पहले। तो हमारा यहाँ पे चल गया बॉडी अर्थिंग, यहाँ से लूप बनाए यहाँ पहुँचा दिए, यहाँ से एक लूप बनाए यहाँ पहुँचा दिए, यहाँ से एक लूप बचा दिए यहाँ पहुँचा दिए। ठीक है, फिर एक लूप बना के हम यहाँ ले गए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जितना भी सॉकेट है सबको क्या करना है, हमको बॉडी अर्थिंग का वायर से कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, हमारा जो बॉडी अर्थिंग का काम था वो हमारा सारा कंप्लीट हो गया। हमारा बॉडी अर्थिंग यहाँ भी पहुंच गया, 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 यहाँ भी, ये सब जितना भी 16 सॉकेट था, 16 सॉकेट में हमने बॉडी अर्थिंग का यूज कर दिया है। हम क्या करते हैं सेम इस तरीके से इसका करके कनेक्शन करके भी देख लेते हैं। जो हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर होगा उसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लाए हमारा डायग्राम में इस सॉकेट में दिखा रहे, तो यही सॉकेट में ले आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से एक लूप बना के हम यहाँ लेके यहीं से एक लूप बना देंगे वायर का, और हम यहाँ से दूसरा सॉकेट में भी ले जाएंगे, एक यहाँ ले गए, अब यहाँ से लूप बनाए हम यहाँ ले गए। जिस तरीके से न्यूट्रल का काम किए थे सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का भी जो कनेक्शन होगा वो हम इस तरीके से कर लेंगे। एक यहाँ से लूप यहाँ बना के ले गए। ठीक है, अब एक लूप बना के हम यहाँ ले आएंगे। अब इसी तरीके से लूप बना के जितना भी सॉकेट है सारे सॉकेट में हम क्या करेंगे कनेक्शन कर देंगे। तो जैसे डायग्राम में हमने बताया बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन, सारा बॉडी अर्थिंग का जो कनेक्शन वो आपस में हमने शॉर्ट करा दिया। ठीक है, जितना जहाँ सॉकेट में नीड था ये सारे सॉकेट में हम क्या किए, जो बॉडी अर्थिंग का वायर है वो आपस में हम कनेक्ट कर दिया। तो ये जो हमारा बोर्ड वायरिंग है वो लगभग हमारा लगभग क्या कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम चेक करके देख लेंगे कि जो हमारा कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। हम क्या करते हैं उसके लिए, इसका जो मेन कनेक्शन है वो लाइन इसमें हम देख के देखते हैं। कनेक्ट कर लेते हैं इसको, जैसे ऑन करेंगे तो ये हमारा लाइन चालू हो गया। ठीक है, जैसे हम इसको ऑन किए तब ये ऑन हुआ, और ये हमारा वोल्टेज दिखा रहा 248। ठीक है, जब हम इस बोर्ड को यूज करेंगे जब हैवी कुछ यूज होगा कुछ एपीएमपी, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा दिखाएगा कितना एम्पेयर हमारा यहाँ से खपत हो रहा है। ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं इस बोर्ड का वायरिंग एक बार चेक करके देख लेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई तो दिक्कत नहीं है, सही होना चाहिए, फिर भी अगर हम चेक कर लेते हैं। तो ये एक सॉकेट सही है, मतलब सब सॉकेट सही होगा कनेक्शन। फिर हम क्या करते हैं जितना भी है चारों सॉकेट चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये भी हमारा सही है और ये सॉकेट के ऊपर वाला भी सही होगा सब। ठीक है, तो इस टाइप से आप बोर्ड वायरिंग ऐसा कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।